दोस्तों सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो A23 के 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन का प्राइस है 23,000 रुपये, और सेम वेरिएंट आपको सैमसंग गैलेक्सी F14 का मिलेगा 16,000 रुपये का, यानी कि लगभग 7,000 रुपये A23 5G महंगा है F14 से। तो चलिए अब चलते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन की ओर। तो डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेज यहाँ बिल्कुल डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के साथ आते हैं। F14 में जहाँ आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश, A23 5G में आपको मिलता है रफ फिनिश। और पर्सनली मुझे यहाँ A23 5G का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा F14 से। पहला तो A23 5G का डिज़ाइन आज के ट्रेंड को फॉलो करता है, वहीं F14 थोड़े से पुराने टाइप के डिज़ाइन के साथ आता है। कैमरा शेप की बात करें तो वो भी A23 5G का ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, कॉम्पैक्टनेस के मामले में भी A23 5G बेहतर है। जैसे कि स्लिमनेस की बात करें तो वो है 8.4 mm, वेट 197 ग्राम। F14 का स्लिमनेस है 9.4 mm, वेट है 205 ग्राम। तो कुछ ये चीज़ें हैं डिज़ाइन के मामले में। इसके अलावा दोनों में ही आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। दोनों ही टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm के हेडफोन जैक के साथ आते हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले। F14 की डिस्प्ले का रेफ्रेश रेट है 90 Hz का, वहीं A23 5G का डिस्प्ले का रेफ्रेश रेट है 120 Hz का। परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। A23 5G के सामने F14 5G का डिस्प्ले एकदम वॉश आउट नज़र आता है। A23 5G में जहां आपको एकदम पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, तो F14 में एकदम वॉश आउट से कलर्स शो होते हैं। डिफरेंस आप यहां दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले में देख सकते हो। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस टाइप बी नॉच के साथ आते हैं, बट अगर बेजल्स की बात करें तो वो A23 5G में थोड़े से पतले देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू F14। तो एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस में भी A23 5G का डिस्प्ले बेहतर है। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो उस कंडीशन में भी A23 5G का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटर है F14 के कंपैरिजन में। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में भी A23 5G ज़्यादा सही है। UI फीचर्स की बात करें तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस सैमसंग वन UI पर रन करते हैं। अब सेम आपको UI मिलता है तो लुक एंड फील भी दोनों का एग्जैक्ट सेम रहेगा। फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो वो एग्जैक्ट दोनों में सेम है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो वहाँ भी लगभग सेम ही शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। सिक्योर फोल्डर जैसे फीचर्स आपको दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोनों यहाँ पर एग्जैक्ट सेम हैं और आज के ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं। अब बात करते हैं कैमरे की। तो F14 में मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा है 50 MP का, 2 MP का डेप्थ सेंसर। A23 5G में आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा यहाँ भी है सेम 50 MP का, अपर्चर साइज है 1.8। इसके बाद 2 MP का डेप्थ सेंसर यहाँ भी मिलता है। और A23 5G में इसके अलावा मिलते हैं 5 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 MP का एक मैक्रो लेंस। फ्रंट पर F14 में आपको मिलता है 13 MP का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज है 2.0। वहीं A23 5G में आपको मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है रियर फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दोनों में दिया है। A23 5G से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन का फीचर भी देखने को मिलेगा जो कि F14 में नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, F14 वर्सेस A23 कैमरा कंपैरिजन। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो रेयर कैमरे के ऑटो मोड पर ज़्यादातर कंडीशन में A23 5G बेहतर परफॉर्म करता है F14 के कंपैरिजन में। A23 5G में जहां आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग के मामले में दोनों ही सेम हैं, बट डायनेमिक रेंज जैसी चीज़ें भी A23 5G में ज़्यादा बेहतर हैं F14 के कंपैरिजन में। F14 में आपको दोपहर के समय वाइट बैलेंस का इशू भी देखने को मिलता है, जिस वजह से आपके फोटोज़ में एक अननेसेसरी येलो टोन शो होती है, जो कि आपके पिक्चर्स को भी एकदम अजीब सा बना देती है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज यहाँ एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं अच्छा। ना तो यहाँ A23 5G मुझे ऐसा लगा कि F14 को बीट करता हो, ना F14 ऐसा लगा कि A23 5G को बीट करता हो। कुछ कंडीशन में F14 की सेल्फी बेहतर लगी तो कुछ कंडीशन में A23 5G की। कैमरे की तरह हार्डवेयर में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। F14 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 1330 प्रोसेसर, वहीं A23 5G में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में इश्यू फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। और मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग की भी बात करें तो दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर F14 पर आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू A23 5G। कॉमन यूज़ में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल हार्डवेयर के मामले में हम ये कह सकते हैं कि दोनों लगभग सेम ही हैं।
बैटरी की बात करें तो A23 5G में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, F14 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेस 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यही था A23 5G और F14 5G के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। अब यहाँ पर अगर डिफरेंसेस की बात करो तो नो डाउट दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन 7000 रुपये केवल थोड़ी सी अच्छी डिस्प्ले के लिए देना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। कैमरे के मामले में मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है, हार्डवेयर की बात करें तो वो दोनों का लगभग सेम है, बैटरी के मामले में F14 ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर हीटिंग टेस्ट की बात करें उस कंडीशन में भी F14 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है A23 5G के कंपैरिजन में। तो यहाँ पूरा 7000 का डिफरेंस है दोनों ही डिवाइसेज में, परफॉर्मेंस में उतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उस कंडीशन में F14 नो डाउट A23 5G से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर केवल ये देखा जाए कि A23 5G बेहतर है या फिर F14 5G, तो नो डाउट यहाँ A23 5G थोड़ा सा बेहतर है F14 5G के कंपैरिजन में। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।